हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटर डॉट कॉम। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे इनइक्वालिटीज़ के बारे में। जो इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ का सम आप कैसे कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ का डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, जब दो इक्वेशन दिया रहे उसके कॉमन एरिया को कैसे लेते हैं, वेबी कर्व मेथड कैसा होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा रहता है और उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा रहता है, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा रहेगा, तो किस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रीजन होगा, मैं आपसे उस टाइप का थ्योरी का बात करूंगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सपोज मैं ये लिखूं 3 इज ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट राइट है, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ये जो साइन है इस साइन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर। इस साइन को बोलते हैं हम लोग लेस, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए माइनस 3 इज लेसर देन माइनस 2। सेम ही है, माइनस 4 इज लेसर देन माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सो माइनस इंटू माइनस 4 माइनस इंटू माइनस 2, तो क्या देख रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 2। इसका सेंस है कि जब भी कोई नंबर्स दिए रहते हैं, यदि वहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। सो नाउ इज 4 इज ग्रेटर देन 2, सपोज a इज ग्रेटर देन b माइनस a इज लेसर देन माइनस b, राइट, वी कैन राइट लाइक दिस, x इज ग्रेटर देन 5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस एक्स इज लेसर देन माइनस 5, और वी कैन राइट x इज ग्रेटर देन 5, ऑल्सो वी कैन राइट 5 इज लेस देन x, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस x, सेम थिंग्स को हमने लिख दिया है। ये हमारा बेसिक है, जो नेगेटिव साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेरा इनइक्वालिटी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सेम यहां पे 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, माइनस 6 इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस 8, इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, माइनस a इज लेसर देन इक्वल टू माइनस b। ऐसे लिख सकते हैं a इज लेस देन इक्वल टू b, इट मीन्स a अपॉन b इज लेस देन इक्वल टू 1, a अपॉन b इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इस चीज को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, जो नंबर लाइंस दिए रहेंगे उसमें कैसे हम लोग देखेंगे जो किधर ग्रेटर देन है और किधर लेस देन है। सपोज मैंने लिख दिया ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ और प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। जब ये क्वेश्चन हमने बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप क्या करिएगा, सिंपली आप एक 0 1 2 3 4 5 6
सेवन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, अप टू माइनस इन्फिनिटी, एंड हियर इज अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब हमने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव बोला है, यहां पे इक्वल साइन लगाए हैं, तो फाइव कहां पे मेरा, दिस इज द फाइव सिक्स सेवन, तो इससे आगे और यहां पे प्लस रहेगा। सपोज मैं ऐसे बोल दूं x इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो अब क्या होगा, फाइव से छोटे ना और फाइव इंक्लूड है लेफ्ट साइड। मैं ऐसे बोलूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो क्या करेंगे हम लोग, ये एक नंबर लाइन बना देंगे, जीरो वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू साइड आ जाएगा और टू पे क्लोज इंटरवल रहेगा। जब मैं इसे लिखना चाहूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, फाइव इज इंक्लूडेड, इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब है, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। अब जो हमने लिखा है ये चीज, इसका ये मतलब है जो x का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू फाइव। यहां पे हमने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू फाइव, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू फाइव इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी फाइव पे क्लोज क्लोज ब्रैकेट। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज लेस देन इक्वल टू फाइव बट ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। इसका सेंस है मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू फाइव, मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी, मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम इज इन्फिनिटी, मिनिमम इज फाइव। समझ गए, जो नंबर लाइंस पे ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर का मतलब होता है मिनिमम और लेस का मतलब होता है मैक्सिमम। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो टू से ये टू क्या है मेरा, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या है हमारा, इन्फिनिटी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी, और इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू टू, बट ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सो मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज नाउ। ऐसा मैं बोल दूं x इज लेस देन इक्वल टू फाइव बट ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो क्या करेंगे, तो x इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो थ्री फोर फाइव, तो यहां पे एक नंबर लाइन बना देते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। x इज लेस देन इक्वल टू फाइव ना, ये प्लस इन्फिनिटी तक होगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक होगा। x इज लेस देन इक्वल टू फाइव, इट मीन्स फाइव से छोटा इस साइड। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, टू से बड़ा, और दोनों ही क्या है हमारे, फाइव पे भी क्लोज्ड और टू पे भी क्लोज्ड। अब जो वैल्यूज आ रहे हैं वो टू और फाइव के बीच में है, तो इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे, लेस देन ना, फाइव इज द मैक्सिमम वैल्यू, फाइव इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड टू इज द मिनिमम वैल्यू, टू इज द मिनिमम वैल्यू। सो फाइव इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड टू इज द मिनिमम वैल्यू। नाउ
अब इसी चीज को इक्वेशन के टर्म में, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे? सिंपल, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 1, दिस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दिस इज 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इट मीन्स 4 से इस साइड ड्रॉ कर ग्रेटर के लिए। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्लोज इसलिए कि ग्रेटर हमारा इक्वल टू उसके साथ है। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 4 और इन्फिनिटी इस तरह से लगा दिए, 4 और इन्फिनिटी। सपोज ऐसा लिख दे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, सॉरी 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 13, तो इसके लिए हम करेंगे 2x इज ग्रेटर देन 13 माइनस 3, सो दिस 2x इज ग्रेटर देन 10 एंड दिस x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि इधर डिवीजन हो गया, 10 अपॉन 2 इज बिकम 5। नाउ अब जो है ये 4 और 5 से चलेगा, लेकिन अंतर क्या है अब इसमें, ये देखिए यहां पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लगाया है, तो यहां पे व्हाइट सर्कल दीजिए, इट मीन्स 5 इज नॉट इंक्लूडेड। और इसका मैक्सिमम वैल्यू बोले तो मैक्सिमम इज इंफिनिटी, मैक्सिमम इज इंफिनिटी, मिनिमम इज 4, मिनिमम इज 4। यहां पे इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू 5 और इंफिनिटी। अब हम दोनों जगह ओपन इंटरवल रखते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंफिनिटी। पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू इंफिनिटी, मिनिमम इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये लाई कर रहा है, तो यहां पे ऐसे ही बोलना पड़ेगा मुझे, एक्स इज लेस देन इंफिनिटी बट ग्रेटर देन 5, मीन्स 5 से बड़ा वैल्यू और इंफिनिटी से छोटा वैल्यू। बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन बहुत बड़े काम का चीज है जब आप सम्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो लेकिन ये तो सिंगल सिंगल थे, यदि दो दो हो तो कैसे करेंगे, ये देखिए दो दो हो तो कैसे करेंगे। सपोज मैं ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, इसका मतलब जो x किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप और स्प्लिट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर दो रूट्स हैं, तो मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेता हूं, सो दैट इज -3x -2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कैसे होता है, तो कोफिशियंट यहाँ पे 1 है, मैं इस 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, और 6 का फैक्टर 3 और 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और जब मैं -3 -2 करूंगा तो -5 आ गया, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया और मल्टीप्लाई करने पे मुझे 6x² आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज x इंटू x माइनस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
जैसे ही ये लिख लिए, अब क्या करना है आपको, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां तक आ गया सारे स्टेप्स। अब जो ध्यान देने वाला बात है वो ये है, नंबर लाइन भी प्लॉट कर लीजिए, नंबर लाइन पे नंबर को डिनोट कर दीजिए। सो राइट साइड में हमें पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं और लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके लिख दिए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। और इसके अलावा इतना इसमें नहीं लिखने का जरूरी है, सिर्फ जो रूट्स हैं मैं उसी को लिखता हूँ, तो ज़्यादा आप और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो सिर्फ आप इस रूट को लिखिए, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। दो रूट्स लिख लिए हैं, टू और थ्री, ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं अभी मैं लिखता हूँ। टू और थ्री लिखने के बाद आपको क्या चेक करना है, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है थ्री के राइट साइड में। स्टार्ट हमेशा राइट से करना है। रूट्स नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड मीन्स देखिए टू और थ्री अलग अलग रूट्स हैं, रिपीटेड उसको बोलते हैं जहां पे सेम रूट्स हो। तो हमने पॉजिटिव लिख दिया और यहाँ पे उसके अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कितने इंटरवल हैं, वन टू वन टू थ्री इंटरवल में। अब देखिए, अब हमें क्या बोला गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है जो थ्री से आगे कोई भी नंबर लेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, टू और थ्री के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और टू से छोटा लेंगे तो भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यदि ग्राफ देखेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, इसके रूट्स हैं थ्री और टू। थ्री और टू में क्या देख रहे हैं, ये एरिया मेरा निगेटिव है, और थ्री से जस्ट आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, टू से जस्ट पीछे आएंगे तो पॉजिटिव। इट मीन्स, और अब हमें लिखना कैसे है, तो ये देखिए एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा टू यूनियन x belongs to 3 to infinity, 3 to infinity means minus infinity से 2 में ये positive है और union 3 से, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ ये union दे देता हूँ जो x belongs to इसके और इसके बीच में क्या है ये, तो ये positive है, बाद बाकी में क्या है ये negative है। अब इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का कोई भी number यदि डालेंगे तो क्या होगा, ये पूरा expression हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव रहेगा। बहुत ही सिंपल है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो कोई हो, सपोज आपको ऐसा सम दे देगा, बोलेगा कि ये x माइनस वन है, ये x माइनस टू है, ये x माइनस थ्री है और ये x माइनस फोर है, बोलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फाइंड करिए इंटरवल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू वन, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू टू, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू फोर। ये सारे हो गए, अब हमें क्या करना है, नंबर लाइंस ड्रॉ करने हैं, उसमें ड्रॉ करना है वन टू थ्री फोर, ये कर दिए। अब हमें पॉजिटिव और निगेटिव लिखना है, तो कुछ नहीं, सारे x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हाइएस्ट पावर ऑफ x होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो राइट साइड में आपको लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू थ्री यूनियन फोर टू इन्फिनिटी हो गया। वन से छोटे के लिए ये पॉजिटिव है, टू और थ्री के बीच का नंबर ये पॉजिटिव है, और फोर से बड़े के लिए ये पॉजिटिव है। नंबर आप डाल के देख लीजिए, कोई भी नंबर आप डालिए, टू और थ्री के बीच में 2.5, तो 2.5 माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव। 2.5 माइनस टू क्या हुआ, पॉजिटिव। 2.5 माइनस थ्री क्या हुआ, निगेटिव। 2.5 माइनस फोर क्या हुआ, निगेटिव। सो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव,
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूएवी कर्व मेथड्स। तो आपको जब एक्सप्रेशन दिया हो, ऐसे भी एक्सप्रेशन रहते हैं जो डिनोमिनेटर में हो, उसको भी सेम तरीका से सॉल्व कर सकते हैं आप। सो ये हमारा इनइक्वालिटी के बारे में है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।